वराहदेव पहुंचे सुरक्षित स्थान पर, उदयपुर विकास की बनेगी विस्तृत योजना। उदयपुर के इतिहास और धरोहर को करेंगे सुरक्षित, बना रहे हैं योजना SDM। विदेशों में भी इस मंदिर का जिक्र रहेगा। ऐसा सुंदर दिखेगा उदयपुर महादेव का मंदिर। जी हां, वह दिन दूर नहीं जब उदयपुर विश्व पटल पर छाएगा। उदयपुर ग्राम के निवासियों का धन्यवाद है जिन्होंने उदयपुर के विकास के लिए स्वयं अपना अतिक्रमण हटा लिया। उदयपुर के विकास में यहां के नागरिक नींव का पत्थर साबित होंगे। विकास के लिए विस्तृत योजना बनाई जा रही है, यह कहना है क्षेत्र के SDM राजेश मेहता का। विगत दिवस मेहता और उनके साथ में अन्य अधिकारियों का संपूर्ण अमला उदयपुर मंदिर पहुंचा और मार्ग के चौड़ीकरण का संपूर्ण कार्य देखा और नागरिकों से भेंट की। SDM ने आगे कहा कि उदयपुर के आसपास क्षेत्र में बहुत पुरातत्व संपदा बिखरी पड़ी है। उदयपुर एक प्राचीन नगरी है जो इतिहास की धरोहर है, जिसे हम सहेजने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ हमने एक प्राचीन बावड़ी भी देखी है, जिसे अब हम उसका सीमांकन कराकर इस क्षेत्र को एक गार्डन के रूप में विकसित करेंगे। वराहदेव महादेव को स्थानीय संग्रहालय में सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है और इस स्थान पर बहुत सारी मूर्तियां या उनके अवशेष दिखाई दे रहे हैं, जिसके लिए पुरातत्व विभाग से चर्चा करके इसकी खुदाई भी हम कराएंगे। गंज वासोदा से अलन चौबे की एक रिपोर्ट। आपने देखा है कैसा दौरा है और ये क्या कार्य चल रहा है? मैं उदयपुर के ग्रामवासियों का बहुत अनुग्रहित हूँ। इन्होंने शासन प्रशासन और के द्वारा समझाने के बाद इन्होंने स्वयं अपना अतिक्रमण हटा लिया है, जिससे कि मार्ग चौड़ीकरण हो जाएगा और आने वाले दिनों में जो तीर्थयात्री आएंगे उदयपुर मंदिर के दर्शन करने हेतु, इन्हें काफ़ी सुविधा का सामना करना पड़ेगा। मार्ग चौड़ीकरण का प्रोग्रेस देखा काफ़ी अच्छा है। इसके बाद गाँव वालों ने, यहाँ के कुछ प्रतिष्ठित लोगों ने मुझे बताया कि बावड़ी भी है, वहाँ पर कुछ कब्जा है, उसको निहराने के निर्देश दिए योगी राजनाथ को। सीओ साहब भी आज हमारे साथ भ्रमण पे हैं, उनसे भी मैंने बताया है कि वो चौड़ीकरण हो रहा है, तो उसका जो है एस्टिमेट वगैरह बना करके RCC रोड बनाए और जहाँ जहाँ भी आवश्यकता है बावड़ी है उसका भी सुधार का काम करे। बस पे जो प्रतीक्षालय है उसका भी रिनोवेशन के लिए मैंने बताया है और मरघट में भी कुछ समस्या है, उसमें भी टेबल ब्लॉक वगैरह लगा देंगे तो आमजन को काफ़ी सुविधा मिलेगी। सर, यहाँ पे वराहदेव की प्रतिमा के साथ अन्य बहुत सारी प्रतिमाएं मिल रही हैं और वहाँ पे एक प्राचीन मंदिर होने की भी संभावना ऐसी जताई जा रही है। पुरातत्व विभाग ने भी कहा है कि यहाँ कोई प्राचीन मंदिर होगा, इस विषय में सर क्या है कार्रवाई? इस संबंध में प्रशासन से मैंने बात की है, उन्होंने पुरातत्व विभाग के अधिकारी को बोला मुझसे बात करने, मैं उनसे बात करूँगा तो वस्तु की जानकारी कराऊँगा।